माई चैनल, इट्स मी श्रुति मिश्रा। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक रिव्यू। एंड गाइज, आज मैं शेयर करूँगी अपना रिव्यू जो कि है रिच फील कैलेंडुला सोप फॉर एक्ने। गाइज, ये सोप स्पेशली एक्ने के लिए है, ऑली प्रोन स्किन के लिए है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, इसका रिजल्ट कैसा है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। वीडियो कैसा लगा, कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोप फॉर एक्ने गाइज, ये रिच फील ब्रांड से एक्ने सोप है, ऑयली स्किन के लिए है। स्पेशली अगर पैकेजिंग की बात करें तो इस तरीके की कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। इस तरीके का येलो कलर का सोप है। सोप की फ्रेगनेंस बहुत, मतलब जैसे हो तो कभी आपने सोप यूज़ किए हो होटल वाले, वो उसी तरीके की स्मेल कर रहा है। बाकी ये सोप काफ़ी अच्छे से लेदर क्रिएट करता है और स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर करता है। आपके प्राइस की गाइस, तो ये 75 ग्राम का सोप, इसका प्राइस 89 रुपीज़ और शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स की है। बट आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 50-55 रुपीज़ का ऑनलाइन नायका या पर्पल में मिल जाएगा। बट लोकल स्टोर्स में भी मुझे नहीं पता कि ये अवेलेबल है कि नहीं, मेडिकल स्टोर्स में मैं नहीं जानती कि अवेलेबल है कि नहीं। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। सोप नूडल्स, परफ्यूम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट, डाइसोडियम एडिटा, हाइड्रोटोल्यूस। एंड गाइस, इसमें एक दो केमिकल और लिखे हुए हैं, बाकी मैं इंग्रेडिएंट का स्नैप स्क्रीन में दे दूंगी, यू कैन चेक दैट डेफिनेटली, कि कोई इंग्रेडिएंट अगर आपको सूट नहीं करता तो आप डेफिनेटली सोप से दूर रहें। सो गाइस, अब मैं रीड करती हूँ कि प्रोडक्ट करता क्या है क्लेम। With harsh weather and constant use of cosmetic, a daily deep cleanse is exactly what your face need. Our calendula face soap embraces the flora antibacterial properties and make it extremely useful in treating acne troubled skin. It truly removes impurities and visibly reduces excess oil on the skin surface, leaving it look balanced and toned. It rich फैलोनेट कंटेन ऑल्सो प्रिवेंट द स्किन सेल्स फ्रॉम डैमेज कॉज बाय ऑक्सीडेशन। पता नहीं है कैलेंडुला। कैलेंडुला गाइज, ये इस तरीके का फ्लावर होता है जो कि हेल्प कर यूज़ किया जाता है एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स में। सो गाइज, ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये आपके फेस को, जो अगर आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो ये फेस को क्लीन करने में हेल्प करता है, एंटी बैक्टीरियल है, एक्ने को करने में कंट्रोल करता है, ऑयली स्किन के लिए ये बूंद है, ऑयल कंट्रोल करने में, मतलब ऑयल रिमूव करने में फेस से ये मदद करता है। तो मेन क्लेम है फॉर पिम्पल्स, ऑयली स्किन एंड प्योरीफाइज स्किन। तो मतलब सो गाइज, ये थी इस प्रोडक्ट की डिटेल, मैं शेयर कर रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में। गाइज, जैसे कि ये सोप मैंने पहले भी यूज़ किया है और ये मेरा सेकेंड बार है। ये सोप स्पेशली है ऑयली स्किन के लिए। ये जो क्लेम करता है, ये क्लेम पे अपने बिल्कुल खरा उतरता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्किन से बहुत अच्छे से ऑयल क्लियर कर देता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से फेस बहुत टोन अप, मतलब साफ सा फील होता है और पोर्स भी थोड़े से मुझे टाइट लगते हैं, फेस में टाइटनिंग सी फील होती है। और जिसकी वजह से ये पिंपल्स को भी कंट्रोल करता है। मेरे भाई के फेस पे पिंपल है, उसने इसको यूज़ किया तो उसके बहुत पिंपल कंट्रोल हुए, बिल्कुल क्लियर नहीं हुए लेकिन हाँ पिंपल्स कंट्रोल हुए, जिसकी वजह से फेस क्लियर हुआ। तो गाइज, ये प्रोडक्ट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों को, एंड जिनके पिम्पल्स हैं, पिंपल प्रोन स्किन है, एक्ने मार्क्स हैं, वो डेफिनेटली सोप को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ड्राई स्किन वालों के लिए सोप बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई स्किन वालों की स्किन को ये और ज़्यादा ड्राई कर देगा, तो डेफिनेटली आप इस सोप से दूर रहें। सो गाइज, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रिच फील कैलेंडुला सोप के बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आए, तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।